हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल पीडी। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स अपडेट गूगल प्ले सिस्टम। तो आप सभी को मालूम नहीं होगा कि गूगल प्ले सिस्टम जो वो कहां से अपडेट करता है, ठीक है। न्यू वर्जन आने से उसको कहां से अपडेट करना है, मैं आपको आज यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन वगैरह दिखा दूँगा कहाँ से अपडेट करना है। तो ये जानने के लिए आपको वीडियो पर बने रहिए और साथ ही साथ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर पहला जो स्टेप है, आपको सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा पासपोर्ट एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन, तो आपको इसको ओपन कर लेना है। पासपोर्ट एंड सिक्योरिटी को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा स्क्रॉल थोड़ा नीचे करना है, ठीक है। स्क्रॉल थोड़ा नीचे करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा प्राइवेसी का ऑप्शन, तो आपको प्राइवेसी को क्लिक कर लेना है। प्राइवेसी को क्लिक करते हैं, आपको यहां पर मिल जाएगा गूगल प्ले सिस्टम अपडेट, तो आपको यहां पर क्लिक करना है और आपको यहां पर चेकआउट का ऑप्शन मिल जाएगा, चेक फॉर अपडेट। तो आपको यहां पर कोई भी अपडेट वगैरह आया हुआ है तो आपको यहां पर चेकआउट कर लेना है, ठीक है। तो ये मेरा चेकआउट हो रहा है, कोई भी अपडेट वगैरह आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट जगह फॉर अमाउंट 48 मेरे को आवर ये हो 48 आवर यहाँ पर मेरा हो चुका है, ठीक है। तो मेरा गूगल प्ले स्टोर जो मेरे को अभी कोई भी यहाँ पर अपडेट वगैरह आया नहीं हुआ है, तो आपको कोई भी अपडेट वगैरह आने से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करते हैं आपको अपडेट वगैरह सभी मिल जाएगा, ठीक है, गूगल प्ले सिस्टम वगैरह। तो यही था आज का प्रोसेस। तो आशा कर रहा हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।